हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे टाइगर के ऊपर कलर कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको टाइगर की कलर सीखना है तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिए। हमने टाइगर का जो एक्यूरेट कलर होता है वैसे ही कलर करके दिखाया है। तो दोस्तों, मिट्टी से टाइगर कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मेरी चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए मेरी चैनल पे। और दोस्तों, सबसे पहले कलर करने के लिए बेसिक जो कलर होते हैं टाइगर के ऊपर, वाइट कलर हमें अच्छे से कर लेना होगा। और दोस्तों, उसके बाद हम टाइगर के ऊपर येलो कलर अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में हमने जैसे दिखाया है वैसे आपको टाइगर के ऊपर येलो कलर अप्लाई करना है। और आपको एकदम पूरे टाइगर में येलो कलर अप्लाई कर देना है, एकदम से कोई जगह नहीं छोड़ना है। आपको पीछे में भी येलो कलर कर देना होगा, एकदम अच्छे से येलो कलर को कर देना होगा। और दोस्तों, टाइगर का कुछ कुछ जगहों में सफ़ेद कलर होते हैं तो हम उसको भी कर लेंगे, जैसे कि नाक के सामने और आँखों के ऊपर और पीछे जो हमने बाल बनाया है उस पर भी सफ़ेद कलर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में हमने दिखाया है, ए वाला पीछे जो बाल है उस पर भी सफ़ेद कलर होंगे। थोड़ा थोड़ा करके शेडिंग की तरह हम सफ़ेद कलर यूज़ करेंगे, वाइट कलर को यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी और भी जगहों पे होते हैं, जैसे कि पेटों के अंदर देखिए ए वाला हिस्सा भी सफ़ेद होते हैं, तो इसको हम अच्छे से शेडिंग की तरह कर लेंगे। और दोस्तों, हमारा जब वाइट कलर का शेडिंग का काम हो जाएगा तो उसके बाद हम ब्राउन कलर का सेट करेंगे। ऊपर साइड में हम ब्राउन कलर का यूज़ करके, हल्का सा ब्राउन कलर का यूज़ करके शेडिंग कर देंगे। और जब हमारा पूरा शेडिंग का काम हो जाएगा तो उसके बाद हम जहाँ पे टाइगर बैठे हैं वहाँ पे हम कलर कर देंगे। हमने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया है। अगर आप चाहते तो कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे कि एक ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, आपके मन पसंद का कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्काई ब्लू का यूज़ किया है। और उसके बाद दोस्तों, टाइगर के ऊपर जो ब्लैक कलर का जो सर्कल दाग होते हैं उसको कर देंगे। अब देखिए वीडियो में हमने जैसे दिखाया है वैसे ही आपको करना है। और एक बात दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नए नए क्ले मॉडलिंग का वीडियो देखने को मिलेगा। और पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।
और दोस्तों जब हमारा बॉडी पे ब्लैक सर्कल का काम हो जाएगा तो अब हम फेस के ऊपर करेंगे। और ध्यान से देखिए दोस्तों, फेस के ऊपर ब्लैक सर्कल देने का काम थोड़ा टाफ है, तो आपको वो देख देख के करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर कुछ सर्कल के ऊपर सर्कल एक साथ हो जाएगा तो देखने में बहुत ही खराब लगेगा, तो आपको ये देख के करना होगा। देखिए, और दोस्तों उसके साथ साथ हम टाइगर का जो आँख होते हैं उसको भी कर लेंगे। देखिए, वीडियो में हमने जैसे दिखाया है वैसे ही आपको करना है। मिट्टी से टाइगर बनाने का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर आपको देखना है तो वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों लगभग टाइगर पे कलर करने का काम हमारा कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरा स्टेप पर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाया है। जिन लोगों को अगर ग्लेज के बारे में पता नहीं है कि क्ले मॉडलिंग के ऊपर मूर्ति के ऊपर ग्लेज कैसे लाते हैं, तो उन्हीं लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस ये वाला स्टेप देख के। तो देखिए दोस्तों, ये एरारूट का ग्लू है, एरारूट का ग्लू को हमने पानी में घोल के उबाल के बना लिया है, तो उस ग्लू को हम टाइगर के ऊपर अप्लाई कर देंगे। कोई सा भी आप क्ले मॉडलिंग करेंगे उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से क्या होगा, जो क्ले मॉडलिंग है उस पर अच्छे से ग्ले जाएगा और जल्दी से हमारा कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक कलर टिका रहेगा, तो इसीलिए एरोरूट का ग्लू यूज़ किया जाता है। और इससे भी आप अच्छा ग्लेज चाहते हैं तो एरोरूट देने के बाद आप बार्निश का यूज़ कर सकते हैं। एरोरूट देने के बाद बार्निश अगर कर देंगे तो वो तो एकदम लाइफ टाइम रह जाएगा, आपका कलर एकदम ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे मूर्ति के ऊपर ग्लेज किया जाता है। तो हमारा टाइगर लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा।